The next question, two pieces of metallic wire having equal length and volume placed in air have different resistances. दो वायर्स हैं, उनकी लेंथ्स बराबर हैं और उनके वॉल्यूम्स भी बराबर हैं. वायर्स जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पार स्क्वायर एच, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. तो वॉल्यूम भी उनके बराबर हैं, ए वन एल वन इज इक्वल टू ए टू एल टू, पर उनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं. तो यदि एल वन इक्वल टू एल टू है और वॉल्यूम भी बराबर है, एल वन इक्वल टू एल टू होने से कैंसल आउट होकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी उनके कैसे हैं, बराबर हैं, ये हमको मिलता है. लेंथ सेम, वॉल्यूम सेम, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी उनके सेम है, उसके बावजूद रेजिस्टेंस अलग है. ये कब पॉसिबल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए. अब इन दोनों वायर्स के लिए लेंथ बराबर हो गई, एरिया बराबर हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. तो क्यों आर अलग अलग है, क्योंकि रो अलग अलग है. रो यदि अलग है तो मटेरियल अलग अलग है, और इसलिए बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा. उन वायर्स को अलग अलग मटेरियल्स का होना ही चाहिए, क्योंकि उनके रो अलग अलग होंगे. हमने पढ़ा था कि रो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो क्योंकि रो अलग है इसका मतलब वो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैन बी डबल्ड बाय. कंडेंसर मतलब होता है कैपेसिटर. पुराने समय में कैपेसिटर को कंडेंसर कहते थे. तो बात हो रही है किसी पैरेलल प्लेट कंडेंसर की, जिसकी कैपेसिटी को डबल करना है. हमको इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर्स सिलेक्ट करने हैं. तो मैं आपको याद दिला दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, हर प्लेट का एरिया ए और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी हो. तो इन प्लेट्स के बीच आपको याद आया होगा, पहली प्लेट पर होता है जितना पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होती है, तो वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी क्यू बाई ए, किसी भी प्लेट पर मौजूद चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट. तो क्यू बाई ए होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो यह है फील्ड. हालांकि अभी इसकी हमको जरूरत नहीं है, पर यह फॉर्मूला कहीं काम आ सकता है. तो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई ए. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. इसमें ही डी का हमको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए. ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. और कैपेसिटी क्या होती है, तो होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. तो क्यू अपॉन ये पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. यदि इन प्लेट्स के बीच कोई डायइलेक्ट्रिक मौजूद हो, कंप्लीटली फिल्ड, जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो इसी फॉर्मूले में आने लगता है एप्सिलॉन नॉट ए के, या के ए अपॉन डी. तो ये है कैपेसिटी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. तो सी डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स, डायइलेक्ट्रिक मीडियम एंड डी. ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अब इनमें से ऑप्शंस करेक्ट कौन से हैं चेक करते हैं. डबलिंग द एरियाज ऑफ द प्लेट, एरिया डबल करने से कैपेसिटी डबल हो जाएगी, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, तो इसको डबल करेंगे, 2d कर देंगे तो कैपेसिटी तो हाफ हो जाएगी, मतलब बी इज नॉट करेक्ट. रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टू हाफ द ओरिजिनल सेपरेशन, d को d by 2 कर देंगे, कैपेसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो d से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो सी इज करेक्ट. डबलिंग बोथ द एरियाज ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस, दोनों को डबल कर देंगे तो 2-2 कैंसिल होकर कैपेसिटी डज नॉट चेंज, यानी ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो ए एंड सी आर करेक्ट, और इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ए एंड सी बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट. दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, मान लो ये है स्फीयर वन और ये स्फीयर टू. इसे चार्ज Q1 देने पर इसका पोटेंशियल मान लो V1 हो गया, और इसकी कैपेसिटी है C1, जो इसके साइज पर डिपेंड करेगी. और ये स्फीयर 2, इसकी कैपेसिटी है C2, इसे चार्ज Q2 देने पर इसका पोटेंशियल हो गया V2. और फिर इन्हें कॉन्टैक्ट में लाया गया, मतलब इन दोनों स्फीयर्स को हम किसी कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देंगे. हमको बताना क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर्स इज कंजर्व्ड, द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज कंजर्व्ड.
both total energy and charge is conserved. Final potential is always the mean of the original potential of the two spheres. तो होता क्या है, इन चार्ज स्फीयर्स को जब हम कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज फ्लो होता है. इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर एट हायर पोटेंशियल टू स्फीयर एट लोअर पोटेंशियल. जो कुछ भी होगा चार्ज इससे इसमें फ्लो हो या इससे इसमें, होगा क्या, फाइनली इनके पोटेंशियल्स सेम हो जाएंगे. और मान लो इसका चार्ज हो गया Q1 डैश और इसका चार्ज हो गया Q2 डैश, कैपेसिटीज अभी भी C1 C2 रहेंगी. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हमेशा टोटल चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व्ड. इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ये है, टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर्स इज कंजर्व्ड. मतलब पहले कितना चार्ज था टोटल सिस्टम के पास Q1 प्लस Q2, और अब कितना हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश. और ये जो V है ये कहलाता है कॉमन पोटेंशियल. तो आंसर तो इसका ये है, पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे. तो इसे तो ऐसे ही रहने दें Q1 और Q2 को, क्योंकि इनिशियल चार्जेस हमको गिवन थे. Q1 डैश कितना होगा, तो वो होगा C1V के बराबर, C1V, और ये क्या होगा C2V. तो V कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी. तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना चाहिए. अब इस Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला. The fourth option आप देखें, the final potential is always the mean of the original potential. तो ऐसा नहीं होगा, ये तभी होगा जब capacities बराबर हों. capacities के बराबर होने पर क्या होगा, इसे भी C लिख दें, इसे भी C, तो C common आएगा, नीचे होगा 2C, C cancel होने के बाद जो final potential है वो किसके बराबर हो गया, mean of the original potentials. तो तभी होता है जब capacities बराबर हों, ये हमेशा नहीं होता, इसलिए option गलत है. फिर बोथ टोटल एनर्जी एंड चार्ज इज कंजर्व, तो क्या एनर्जी कंजर्व्ड होती है, नहीं. रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एनर्जी का लॉस आता है, और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, माइनस C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. तो पोटेंशियल्स क्योंकि अलग अलग हैं इनके, तो ये क्वांटिटी हमेशा नॉन जीरो होने से ऐसे केसेस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हमेशा एनर्जी का लॉस आता है. तो टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर्स इज कंजर्व्ड, नो, एनर्जी का लॉस आता है. तो ये दोनों ऑप्शंस गलत होंगे. जो क्वांटिटी कंजर्व्ड रहती है वो है चार्ज. तो इन फॉर्मूलों को भी ध्यान रखें. हालांकि यहां पर हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सीधे यहां पर देखना था कि टोटल चार्ज इसमें नहीं बल्कि नेचर में होने वाली हर फिनोमेना में, हर घटना में चार्ज को कैसा रहना है कंजर्व्ड. इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. इन फॉर्मूलों को भी ध्यान रखें.